हाय फ्रेंड्स, मैं राजेंद्र कुमार आप लोगों का डनीजी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज का वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑप्टिकल फाइबर के बारे में। तो ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ कहां कहां होता है, किसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे और किस प्रिंसिपल पे बेसिस पे ये कार्य करता है, वो सभी देखेंगे आज के वीडियो में हम लोग। तो ऑप्टिकल फाइबर्स, तो ऑप्टिकल मतलब होता है सिंपली प्रकाश। ऑप्टिकल का मतलब क्या होता है? प्रकाश। और फाइबर का मतलब होता है तंतु या रेशा, दैट मीन्स एक पतला वायर जो हम लोग के बाल के से भी पतला रहता है। तो ऑप्टिकल फाइबर्स का मतलब हुआ प्रकाश का गमन एक तंतु के समान प्लास्टिक या ग्लास के बना हुआ तार के समान में गमन करना। ठीक है, तो प्रकाश का गमन क्या है? एक तंतु के समान प्लास्टिक में प्रकाश का गमन करना, यही है आज का अध्ययन हम लोग इसमें करेंगे। आइए देखते हैं ऑप्टिकल फाइबर का कंस्ट्रक्शन। ये आपका कोर है, ठीक है, यह है क्लेडिंग और ये कोटिंग और स्ट्रेंथ मटेरियल और ये जैकेट। नॉर्मली थ्योरेटिकल जब अध्ययन करते हैं तो कोटिंग, स्ट्रेंथ मेंबर और जैकेट को हम लोग कवर में ही रीड कर लेते हैं, अध्ययन कर लेते हैं, ठीक है। और ये कोर क्लेडिंग आपका मेन पार्ट हो गया। मतलब मेन पार्ट कहा जाए तो ऑप्टिकल फाइबर का तीन होता है, कोर, क्लेडिंग और कवर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कोर। यह है आपका कोर, यह ग्लास या प्लास्टिक का बना होता है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.52 होता है, ठीक है। और ये क्लेडिंग है, क्लेडिंग भी ग्लास या प्लास्टिक का ही बना रहता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस बस इतना है कि क्लेडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.48 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कोर का 1.58। जब लाइट प्रकाश गमन करता है कोर में तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन थ्योरी के प्रिंसिपल के अनुसार लाइट जो है क्लेडिंग से बाहर नहीं जाता है, दैट मीन्स कोर में ही ट्रेवल करता है, ठीक है। इसमें कोटिंग का यूज किया गया है सेफ्टी प्रदान करने के लिए क्लेडिंग और फाइबर कोर को, ठीक है। स्ट्रेंथ मटेरियल का यूज किया गया है मजबूती प्रदान करने के लिए और यह जैकेट है जबका घर्षण वगैरह से बचाने के लिए आउटर जैकेट का यूज किया गया है, ठीक है। तो ये रफ पिक्चर आप लोग देख रहे होंगे ऑप्टिकल फाइबर का। बीच में यहाँ पे कोर दिखा दिया गया है, ठीक है, कोर, ये आपका कोर हो गया, उसके बाद क्लेडिंग हो गया और इधर कवर हो गया। कवर इसको जैकेट भी बोलते हैं, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर्स। तो यहाँ पे देखिए ये जो मिडिल में है इसको बोलते हैं कोर। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताए थे अभी 1.52 के होता है, ठीक है, 52 माइक्रोमीटर होता है। और ये क्या चीज़ का बना रहता है अभी बताए थे, कोर का कांच। ये ऑप्टिकल फाइबर का कोर क्या चीज़ का बना रहता है? ग्लास या प्लास्टिक का बना रहता है, ठीक है। क्या चीज़ का बना रहता है? ग्लास या प्लास्टिक का। तो कोर रहता है ग्लास या प्लास्टिक का बना हुआ, ठीक है। उसके बाद में आपका क्लेडिंग, क्लेडिंग क्या चीज़ का बना रहता है? ये भी ग्लास या प्लास्टिक का ही बना रहता है, लेकिन इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों में डिफरेंस इतना है कि कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.52 होता है माइक्रोमीटर और ग्लास का, सॉरी, क्लेडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.48, ठीक है। उसके बाद है ये जैकेट। जैकेट का है, जैकेट जो है आउटर मस्ट एरिया है, आउटर मस्ट पार्ट है जो ऑप्टिकल फाइबर्स को सेफ्टी वगैरह घर्षण वगैरह से बचाता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं ऑप्टिकल फाइबर्स डिफिनेशन, ठीक है। तो ऑप्टिकल फाइबर्स, अन ऑप्टिकल फाइबर इज अ थिन फाइबर ऑफ ग्लास और प्लास्टिक दैट कैन कैरी लाइट फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड। इसका मतलब है कि ऑप्टिकल फाइबर्स है एक थिन फाइबर है, बहुत ही पतला रहता है, हमारा हेयर के से भी ज़्यादा पतला रहता है। अभी जो बताया था इसका कोर का जो क्या है डायमीटर जो रहता है 8 माइक्रोमीटर के लगभग रहता है, जो बहुत ही पतला है, ठीक है। तो वो ग्लास का बना है और प्लास्टिक का बना रहता है, ग्लास या प्लास्टिक का बना रहता है। दे कैन कैरी लाइट, वो लाइट को कैरी करता है फ्रॉम वन इनटू अदर एंड, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह भेजा जाता है, अर्थात सिग्नल्स जो डाटा अभी बताए थे, वॉइस हो गया, पिक्चर हो गया या ऑडियो वगैरह हो गया, उसको लाइट के रूप में परिवर्तित करके ऑप्टिकल फाइबर के अंदर भेजा जाता है। आगे बताएंगे नेक्स्ट क्लास में कि ऑप्टिकल फाइबर्स का कम्युनिकेशन सिस्टम कैसे कार्य करता है, ठीक है, कैसे ऑडियो वीडियो जो है डाटा सिग्नल है उसको हम लोग लाइट के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है। तो द स्टडी ऑफ ऑप्टिकल फाइबर
इज कॉल्ड फाइबर ऑप्टिक्स, और स्टडी ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स को क्या बोलते हैं, फाइबर ऑप्टिक्स बोलते हैं, ठीक है। आगे है यूज, टेलीकम्युनिकेशंस में यूज होता है, डाटा सिग्नल ट्रांसमिशन वगैरह में यूज होता है, ठीक है। और ये इसका यूज लाइटनिंग के रूप में भी यूज होता है। लाइटनिंग मतलब क्या है, जैसे आप लोग कहीं कहीं रास्ते में जाते रहते होंगे तो रात में देखते होंगे कि रात में कि चौक वगैरह जो रहता है, मेन चौक वगैरह, उसमें लाइट पकड़ के खड़े रहते हैं एक दो आदमी लोग, ठीक है, वो बेचते रहते हैं, लाइट्स का जलता रहता है तो वो बहुत ही सुंदर दिखता है, तो वो भी यूज किया जाता है एज ए ऑप्टिकल फाइबर्स का लाइटिंग के रूप में, ठीक है। उसके बाद में सेंसर, ये सेंसर के रूप में भी यूज करता है। आगे हम लोग क्लास है इसका सेंसर के बारे में पढ़ेंगे क्या होता है सेंसिंग एलिमेंट। ये कंपनी वगैरह में ज़्यादातर यूज होता है सेंसिंग एलिमेंट वगैरह, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में क्या था, ठीक, कंस्ट्रक्शन इट इज कंसिस्ट ऑफ मेनली थ्री पार्ट्स, ठीक है। क्या बोले, अभी बताए थे कि ऑप्टिकल फाइबर्स का कंस्ट्रक्शन क्या रहता है, तीन पार्ट रहता है मेनली, कोर हो गया, क्लेडिंग हो गया और कवर। क्या क्या पार्ट हो गया, कोर, क्लेडिंग और कवर, तीन पार्ट हो गया, ठीक है। क्या होगा, कोर, क्लेडिंग और कवर। कोर जो बना रहता है फाइबर प्लास्टिक ग्लास का बना रहता है, क्लेडिंग रहता है ये भी ग्लास का ही रहता है या कांच का या प्लास्टिक का भी रहता है, इसमें रबर भी लिखा गया है, और कवर जो रहता है मेनली रबर का रहता है, ठीक है, या प्लास्टिक का रहता है जो सेफ्टी प्रदान करता है। तो तीन पार्ट हो गया, कोर, क्लेडिंग एंड कवर। ये आप लोग पिक्चर देख रहे होंगे, ठीक है, क्रॉस व्यू है इसका ऑप्टिकल फाइबर्स का, इसके बीच में दिख रहा होगा यहाँ से यहाँ तक है कोर का पार्ट है, ठीक है, ये कोर का पार्ट हो गया। उसके बाद में ये, इसके बाद में ऊपर में जो दिख रहा है ये है आपका क्लेडिंग का, नीचे में भी हो गया क्लेडिंग, दोनों साइड दिखेगा क्योंकि कोर अंदर में है तो बीच में दोनों साइड होगा। क्लेडिंग के बाद में इसका ऊपर में दिख रहा है, ये ऊपर में ऊपर वाला पार्ट हल्का हल्का जो दिख रहा है, ठीक है, वो है आउटर कवर, ठीक है, नीचे में भी आउटर कवर दिख रहा होगा ये, ठीक। तो ये तीन पार्ट हो गया मेनली। अब देखिए इसमें लाइट कैसे ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, तो ये लाइट आपका गया यहाँ से, ठीक ना, उसके बाद में यहाँ गया, ये क्लेडिंग में टकराता है, ठीक है, क्लेडिंग में टकराने के बाद में ये सीधे नहीं जाता है, ठीक है, जाना चाहिए था इधर लेकिन सीधे नहीं जाता है, ठीक है, और क्या हो जाता है, लाइट बैक आ जाता है, ठीक है, क्या जाता है, लाइट बैक आ जाता है, किस में, कोर में ही। तो यहाँ से जाने के बाद में लाइट यहाँ से गया, यहाँ गया, टकराया क्लेडिंग में, उसके बाद वापस आया, फिर यहाँ टकराया और फिर इधर गया, फिर टकराया है, फिर यहाँ और फिर ऐसे। तो इसको बोलते हैं जिग जैग पथ, क्या बोलते हैं, जिग जैग पथ। तो लाइट जो है ऑप्टिकल फाइबर्स में लाइट जो है कैसे ट्रेवल करता है, जिग जैग पथ में, ठीक है, तो इसको बोला जाता है जिग जैग पथ, ये लाइट ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। इसी को कहा जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, प्रिंसिपल जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस, ठीक। नेक्स्ट हम लोग कोर क्लेडिंग और कवर के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। तो कोर क्या है, कोर इज द इंटरमोस्ट सेक्शन ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर, इट इज मेड अप ऑफ ग्लास और प्लास्टिक। तो सबसे मिडिल पार्ट है जिसको बोलते हैं कोर, ठीक है, ये क्या चीज़ का बना रहता है, ग्लास या प्लास्टिक का बना रहता है। इट्स इज वेरी थिन, हैविंग डायमीटर 2 to 120 माइक्रोमीटर, और किसका, इसका डायमीटर कितना रहता है, 2 to 120 माइक्रोमीटर का रहता है। 2 माइक्रोमीटर मतलब बहुत ही पतला हो गया, तो मेनली ज़्यादातर जो यूज होता है 8 माइक्रोमीटर तक का ही यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्लेडिंग, तो क्लेडिंग क्या है, क्लेडिंग इज सराउंडेड बाई थिन लेयर ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड क्लेडिंग। तो कोर जो सराउंडेड, जो कोर जो घिरा हुआ रहता है जिससे, ठीक है, उसको बोलते हैं क्लेडिंग, ठीक है। इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज लोअर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कोर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम होता है देन दैट ऑफ कोर। तो कोर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ प्लास्टिक, और ये भी क्या चीज़ का बना रहता है, प्लास्टिक का बना रहता है, और ग्लास या ग्लास का ही बना रहता है। हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कोर, और कोर का प्रॉपर्टीज, इसका प्रॉपर्टीज क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। मटेरियल इट्स कोर मटेरियल्स, इट्स थिकनेस इज अबाउट 300 माइक्रोमीटर, इसका थिकनेस कितना रहता है, अबाउट 300 माइक्रोमीटर के अबाउट रहता है। अब फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो फंक्शन क्या है कोर का,
रिड्यूसेस द लॉसेस ऑफ लाइट, और ये लाइट का लॉसेस को क्या कर देता है, कम कर देता है, ठीक है। विच ट्रबल ऑन द कोर ऑल्सो, और जो क्या करता है कोर में ट्रबल करता है, ऑल्सो प्रोवाइड अ मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द कोर, और इसको क्या करता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, किसको, कोर को क्या करता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, कौन करता है, क्लडिंग करता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं जैकेट, ठीक है, जैकेट क्या है, जैकेट यह है जैकेट, या इसको कवर भी कहा जाता है। द आउटर मस्ट रीजन इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव जैकेट, जिसको सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिव जैकेट कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज कोटिंग या बफर, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोटिंग या बफर भी कहते हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ प्लास्टिक और ग्लास, ये भी क्या चीज़ का बना रहता है, प्लास्टिक या ग्लास का ही बना रहता है, ठीक है। ये फंक्शन क्या है इसका, फंक्शन देख लेते हैं। तो इट प्रोवाइड सेफ्टी फॉर द मॉइस्चर्स एंड क्रशिंग इट्स, ठीक है। तो ये क्या करता है, मॉइस्चर वगैरह हो गया या क्रशिंग घर्षण वगैरह हो गया, उससे क्या करता है सेफ्टी प्रोवाइड करता है, कौन प्रोवाइड करता है, जैकेट करता है, आउटर मस्ट जैकेट, ठीक है। आगे देखते हैं प्रिंसिपल क्या है इसका, प्रिंसिपल इट वर्क्स ऑन द टोटल रिफ्लेक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्या करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के प्रिंसिपल पर कार्य करता है, किस पे कार्य करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कंडीशंस फॉर टोटल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंडीशन क्या है इसमें देख लेते हैं। लाइट शुड पासेस फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, ठीक है, दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होना चाहिए कोर का और क्लैडिंग का कम होना चाहिए। तो लाइट पासेस शुड पासेस फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, तो डेंसर मीडियम का मतलब पता है जिसका घनत्व ज़्यादा हो और जिसका रेयर मीडियम जिसका घनत्व कम है। तो जैसे कांच है, कांच की बात करें तो कांच का घनत्व कितना होता है, ज़्यादा होता है ग्लास एयर से, ठीक है। तो कांच आपका हो गया डेंसर मीडियम, और गैस क्या बोलते हैं, हवा का डेंसर मीडियम ये घनत्व कम होता है, तो इसको बोलते हैं उसका डेंसर मीडियम कम हो गया, ठीक है, तो उसको रेयर मीडियम कहा जाता है। एंगल ऑफ एंगल इंसिडेंट, और जो लाइट जो इंसिडेंट कर रहा है उसमें उसका क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, ठीक है,